बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन व्लॉग के ऊपर। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की हमारी जो है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज बिल्कुल एक नई मशीन है जिसका हम रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं कम्प्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को इस मशीन के बारे में बताऊँगा। वीडियो को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को मशीन दिखाऊँगा और इसके साथ हमें क्या क्या टूल्स मिलते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती हैं जब हम मशीन ख़रीदते हैं, और इसके कंट्रोल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इसकी प्राइस की बात कर लेंगे, इसकी एवरेज की बात कर लेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को हमारी जो पुरानी मशीन थी पाकिस्तानी मेड, उसके साथ इस मशीन को कंपेयर करके थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि इन दोनों में एवरेज का क्या फ़र्क है, प्रोडक्शन का क्या फ़र्क है। वीडियो हमारी जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आपने वीडियो कम्प्लीटली देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो ये हमारी मशीन है। मशीन जो है मेड इन चाइना है, मॉडल है इसका S9S, और ये इसका इंटरफेस है। फ्रंट व्यू आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट पे इसके साथ हमें यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, और ऊपर हमें कुछ स्विच मिल जाते हैं जिसमें पावर स्विच है, हीट का स्विच है, और हमारा जो मशीन का ऑन ऑफ का बटन है वो हमें मिल जाता है। इसके अलावा जो एक्सेसरीज़ की बात करें, हमें इसके साथ मिलती हैं, सबसे पहले इसके ऊपर जो हॉपर है आपको नज़र आ रहा है ये हमें मिल जाता है। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में है और इसका हॉपर भी स्टेनलेस स्टील में है। इसी तरह दूसरी चीज़ों की बात करें तो आप लोगों को इस मशीन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को इसकी काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं। डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट हीट हमें रखनी पड़ती है मुख्तलिफ बीजों के लिए, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके साथ हमें ग्लव्स मिल जाता है क्योंकि मशीन हीट अप होती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तीसरे नंबर पे हमें एक ब्रश मिल जाता है जो इसकी सफाई के लिए यूज़ करते हैं हम, और लास्ट पे हम देखते हैं तो हमें एक स्ट्रेनर मिल जाता है इसके साथ, ये आप लोग देख सकते हैं, और एक हमें स्टेनलेस स्टील का बाउल मिल जाता है जिसमें हमारा ऑयल निकलता है। ये जो स्ट्रेनर है हम बाउल के अंदर रख देते हैं और इस तरह जो हमारा बाउल है वो नीचे रहता है और तेल इसमें गिरता रहता है। इसी के साथ साथ हमें एक पावर वायर भी मिल जाती है इसके साथ, जो इसको कनेक्ट करते हैं चलाने के लिए। ये हमारी मशीन का इंटरफेस है। मज़ीद आगे चलते हैं और इसकी एवरेज वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑयल चेक कर सकते हैं जो हमने इस मशीन से निकाले हैं। एक साइड पर आप लोगों को कोकोनट ऑयल नज़र आ रहा है और एक बॉटल में आपको बादाम का ऑयल नज़र आ रहा है। तो ऑयल की सफाई भी आप चेक कर सकते हैं। ऑयल के नीचे यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, इसके नीचे कचरा वगैरह बहुत कम बैठा है। इसका मतलब कि हमारा तेल निकला ही साफ़ है, उसमें ज़्यादा कचरा है ही नहीं था। तो इस मशीन का एक और फ़ायदा है कि इसमें आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई में निकलता है। तो ये था हमारा बादाम और नारियल का ऑयल जो मैंने आप लोगों को इस मशीन से निकाला है, वो दिखाया है। इसी तरह इस मशीन का फ़ायदा ये है कि ये एक ही मशीन 25 से 30 किस्म के जो बीज हैं उनका ऑयल निकालती है, जिसमें आपके पास बादाम है, नारियल है, तिल है, अलसी है, फिर कास्टर ऑयल है, कलवंजी, इस तरह के छोटे छोटे जो बीज हैं उन सब का ये एक ही मशीन ऑयल निकालती है। अच्छा जी, तो ये थी हमारी मशीन की कुछ डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एवरेज वगैरह के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि हमें कितनी प्रोडक्शन देती है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये मशीन तकरीबन 6 से 7 किलो बताया जाता है कि 1 घंटे में प्रोसेस करती है बीज को, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आपका 5-5.5 केजी ही बीज ये प्रोसेस करेगी 1 घंटे में। इसके बाद इसकी ऑयल की एवरेज बात करें तो ऑयल की एवरेज इसकी बेहतरीन है। अगर कंपेयर करें हमारी पुरानी मशीन के साथ जो हमने सेल कर दी, आप लोगों ने होप सो पिछली वीडियोस में देखी होगी, वो मशीन हमारी जो थी वो मेड इन पाकिस्तान थी, ये मेड इन चाइना मशीन है। तो इसकी ऑयल की एवरेज की बात करें तो उससे काफ़ी बेहतर है। अगर सिर्फ बादाम की एवरेज का मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ तो जो हमारी पुरानी मशीन थी उसमें हम निकालते थे तो हमारे पास ऑयल जो है वो साफ़ तकरीबन 250 ग्राम ऑयल बचता था, लेकिन अगर इस मशीन की बात करें तो साफ़ 300 ग्राम ऑयल हमारे पास निकल आता है बादाम का। तो इसी तरह बाकी चीज़ों के जो ऑयल की एवरेज है उसमें फ़र्क है, लेकिन सिंपल सी बात है कि ऑयल की एवरेज की अगर रिव्यू दूँ तो दूसरी मशीन के साथ कंपेयर करते हुए इसकी एवरेज उससे थोड़ी सी अच्छी है। अब ऑयल की एवरेज के बाद हम इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये मशीन की प्राइस हम स्टेबल नहीं है, हम आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि ये मशीन होती है इम्पोर्ट और पाकिस्तान में डॉलर जैसा कि स्टेबल नहीं है तो इसकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है दिन ब दिन।
लेकिन अंदाज़ा आप लोगों को दे देता हूँ, तकरीबन 180 से लेकर 2 लाख के दरमियान आप लोगों को ये मशीन मिल जाएगी। अब इसकी अगर प्राइसिंग हमारी पुरानी मशीन जो मेड इन पाकिस्तान थी उसके साथ कंपेयर करें तो इसी साइज़ में उनकी मशीन और ये मशीन दोनों की प्राइस तकरीबन सेम है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, इस मशीन की प्राइस थोड़ी हाई है, तो ये तो समझ में आता है कि ये बाहर से आई है, इस पर कस्टम ड्यूटीज़ हैं, और जो मशीनें हमारे अपने मुल्क में बन रही हैं वो भी महंगी हैं, तो वो बात समझ में नहीं आती। अपने मुल्क में मशीन बनाने का मकसद ये होता है कि हमें सस्ती मशीन मिल सके, कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं उनसे हम बच सकें, तो हमें मशीन जो है सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ से इसी साइज़ की मशीन लेने का, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस मशीन को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मशीन हमारी मेड इन जो पाकिस्तान मशीन्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो ये थी इस मशीन के बारे में कंप्लीट डिटेल। मैंने कोशिश किया कि जो जो पॉइंट्स मेरे जहन में हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके बावजूद अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे मुख्तलिफ बीजों का ऑयल और मुख्तलिफ चीज़ों का ऑयल इस मशीन से निकालते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम उसकी वीडियोस भी जो है अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे, जिससे आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों की कितनी एवरेज निकलती है ऑयल की इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।